एक मैंने ना कुछ दिनों पहले जोमेटो पे एक ऐड देखी थी ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन तो उन्होंने एक आपकी तारीफ की थी ढाबे की, वो क्या चीज है सर? तुम आ रही थी आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। अभी हम आ गए हैं जी अंदर मशहूर अग्रवाल ढाबा के। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नरेश कुमार। तो नरेश जी, आपके ढाबे के बारे में ना दो बहुत ही ज्यादा मेरे को चीजें पसंद आई हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी किचन दिखाइए सर, क्या है? आओ, आजो। तो यार ढाबे के ना अंदर आते ही राइट साइड आपको किचन एरिया दिखेगा, ये है शाही दावत, शाही पनीर, शाही दावत। तो ये है जी शाही दावत अग्रवाल ढाबे की, बहुत ही कमाल का शाही शाही पनीर, बहुत ही बढ़िया सर। ये है दाल मखनी। ये आ गई जी दाल मखनी, बहुत ही बढ़िया, एकदम मक्खन ऊपर तैर रहा है। सर अपना ढाबा कितने साल पुराना है? ये वी आर सर्विंग सिंस 1995। 1995 से ऑलमोस्ट 27 साल हो चुके हैं। 27 साल हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया यार। तो ये चेक करो, ये कौन सी सब्जी है सर? कढ़ाई पनीर। ये आ गया जी कढ़ाई पनीर, चंक पीस ऑफ पनीर, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। सर आपका जो बोलने का तरीका है उससे लग रहा है कि सर आप पंजाब के रहने वाले हैं। कहाँ से आए सर आप? मैं यूएसए से। यूएसए, तो आपने कितने साल लगाए सर यूएस में? मैं यूएसए में 1985 to 2012। 27 साल रहकर आए हो सर अब यूएस में, और वहाँ से आके आप पंजाबी ढाबा चला रहे हो। पंजाबी ढाबा, क्या बात है। तो इसमें क्या सर? इसमें है साग, साग सरसों का साग। अरे वाह यार, साग तो बहुत सारे दिखाए मैंने पर इतना कमाल का साग नहीं दिखा। और ये क्या सर साथ में पालक है? साग साथ में पालक। ये आ गई जी पंजाबियों की फेवरेट कड़ी, कड़ी और पकौड़ा, जंबो पकौड़ा, जंबो पकौड़ा, क्या बात है सर। आपकी नेचर काफी जॉली है सर, बैंगन का भरता है और जो सब्जियां ना अग्रवाल ढाबे पे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखो बड़ा लंबी कतार में सब्जियां पड़ी है, बहुत ही बढ़िया, कमाल का रोगन और कमाल का बैंगन का भरता। ये है आलू गोभी। आलू गोभी, आलू गोभी चंक पीस ऑफ पोटैटो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कमाल की रंगत है जी आलू गोभी की। और जो सर पहली बात जो मैंने बताई अभी वीडियो स्टार्टिंग में कि आपके ढाबे की अच्छी लगी, वो ये है भाई मैंने 100+ ढाबास कर लिया। आप देखो ढाबा की किचन ये है और पीछे कस्टमर्स का एरिया, पीछे कस्टमर्स बैठ के खा रहे हैं, कुछ भी हिडन नहीं रखा सर आपने। कोई हिडन नहीं है, ये काली मिक्स वेजिटेबल, क्या बात है यार, ये चेक करो एकदम गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल, ऑल सीजनल वेजिटेबल इनसाइड, बहुत ही बढ़िया सर। चना मसाला, ये आ गया जी चना मसाला, बहुत ही शानदार। वाह, ये है मलाई कोफ्ता। ये आ गया जी एकदम रेशमी मलाई कोफ्ता, बहुत ही बढ़िया। और ये साथ में येलो दाल, येलो दाल जो ब्लैक नहीं खाना चाहता वो येलो दाल भी खा सकते हैं। ये आ गए जी राजमा, वाह क्या गाढ़े राजमा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी सामने किचन है और किचन के बिल्कुल पास ही में है जी तंदूर एरिया। तो ये है यार सुपर बिजी तंदूर एरिया अग्रवाल ढाबे का। और ये चेक करो भाई साहब, तंदूर में लग रही है चपातियां, यहाँ पे पूरा दबा के भैया लगे हुए हैं। ये वाले तंदूर में क्या लग रहा है सर? ये लग रहा है जी यहाँ पे भी चपातियां, और चपातियों की रंगत देखो क्या कमाल की लग रही है। ये लग रहा है जी साथ में ओनियन कुलचा, और बहुत ही तेज हाथ चल रहा है भैया का। आगे वाले तंदूर में दिखाता हूँ आपको क्या लग रहा है। सर आप क्या लगा रहे हो? यहाँ लग रही है भाई मिस्सी रोटियां, और मिस्सी रोटी की रंगत चेक करो, पूरा फ्लो में काम चल रहा है। इधर लग रहा है जी तवे का फुलका, और ये क्या बन रहा है मक्की की रोटी, क्या बात है यार, मक्की की रोटी और सरसों का साग की तैयारी। और आप क्या कर रहे हो सर? ये लग रहा है जी लच्छा पराठा, वाह ये लगने वाला जी चीज चिली अग्रवाल ढाबा का स्पेशल। पनीर आ गया ढेर सारा कढ़ाई के अंदर, और भैया कर रहे हैं जी बड़े आराम से दंगल पनीर के साथ। अब ये आ गया जी शिमला मिर्च और प्याज, ये प्याज और बंद गोभी, एक बार दोनों बाल्टियां दिखाइएगा भैया एक बार दोबारा, बाल्टियों के अंदर सामान पड़ा है, प्याज और शिमला मिर्च और वो बंद गोभी और शिमला मिर्च, खुद ही देख लो किस लेवल पे यहाँ पे काम चलता है। वाह अब ये देखो भाई जलवे कढ़ाई के, रेडी है सर, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। तो ये लग रही है जी दाल फ्राई, जिसकी तारीफ की है जी ऋतिक रोशन ने भी खुद जोमैटो की एड में, इसकी तारीफ हुई कि जलंधर आओ अग्रवाल ढाबा की दाल खाओ। ओ भाई, अरे 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 भैया देखे क्या आग ही आ गए यहाँ पे, तो क्या बात है यार। तो ये लग रही है जी यार कमाल की दाल मखनी, और इतनी ज्यादा ज्वाला के अंदर दाल मखनी दिखाई नहीं दे रही है भाई साहब, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखो वाह बहुत ही कमाल। मुझे लगता है भैया दाल तैयार है, क्या बात है यार। अब यार ये वीडियो ना अपने उस दोस्त को दिखाओ जो कहता है भाई मेरी गर्लफ्रेंड ना तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। यार दाल अपनी कितनी देर में तैयार होगी? गौरव भैया अग्रवाल ढाबा की स्पेशल थाली लगा के देने वाले, पहली आइटम क्या आएगी भैया? तो ये आ गई जी कमाल की दाल मखनी, बहुत ही बढ़िया यार गर्मा गर्म दाल, और थाली चेक कर यार कितनी सुंदर लग रही है अभी खाली हुई।
जब भर, ये क्या है सर? ये है बटर। बटर, और बटर देखो भाई किस क्वांटिटी में रखा हुआ है। ये आ गया जी कढ़ाई पनीर, बहुत ही शानदार। अब ये आया जी कड़ी पकौड़ा, जिसको सर ने बताया था कि जंबो पकौड़े हैं जी हमारे, और देख लो एक कटोरी में सिर्फ एक ही पकौड़ा आया है। अब ये आ रहा है जी शाही पनीर, शाही लोगों की पसंद। अब आ गया जी अग्रवाल ढाबा का फेमस मिक्स वेज, और ये आ गया जी लास्ट हमारा चीज चिल्ली, बहुत ही कमाल पंजाबी स्टाइल। तो ये आ गया जी सामने थाली आ चुकी है हमारे, ये है जी बहुत ही कमाल की थाली। ये देखो सबसे पहली आइटम ये देखो, अरे वाह, ये है जी एकदम मखमली दाल, साथ में कड़ी और पकौड़ा, जंबो पकौड़ा एक कटोरी में एक, बहुत ही कमाल का शाही पनीर, बहुत ही कमाल के मिक्स वेज, और ये पंजाबी चीज चिल्ली, बोले में अजीब लगता है ना, पंजाबी और चीज चिल्ली। और ये देखो भाई कितना कमाल का वेज पुलाव। ये है जी यहाँ के लच्छे पराठे, और लच्छे पराठे का आप साइज देख रहे हो, देखो मैं छुप रहा हूँ लच्छे पराठे के पीछे, इतना बड़ा लच्छा पराठा है, बढ़िया घी लगा के ना कमाल का लच्छा पराठा बना दिया। और ये लिए हमने बाइट, और शुरू करते हैं जी पहली आइटम दाल के साथ। तो ये आ गई है यहाँ की कमाल दाल लच्छा पराठा के साथ, अब इसको लोड करते हैं। देखो ओए होए, थोड़ा सा और, ये देखो ओहो, जब इतनी कमाल देसी घी की दाल हो ना तो मुंह में ज्यादा पानी आ जाता है। ये हो गया जी लोड पूरी, गर्मा गर्म दाल, दाल की लुक चेक करी आपने, इतनी कमाल की दाल है ना, तो आपको क्या बताऊं। अब दो चीजें आपको मैंने शुरुआत में कही थी जो मुझे इस ढाबे की बहुत ज्यादा पसंद आई। पहली तो ये कि भाई किचन सामने है, इधर सिटिंग है भाई, एक होता ना हम कहते हैं ओपन किचन, ओपन किचन है, सामने लोग खड़ के ऑर्डर ले रहे हैं, सामने ऑर्डर दे रहे हैं, हर बंदा आ रहा है, सामने कुकिंग हो रही है, कोई वो नहीं है कि छुपा के बनाया जा रहा है। और ये यहाँ का कमाल का शाही पनीर, ओए होए, बाइट को पहले बीच में गिरा के डुबा के और ऊपर पनीर, ये देखो ओहो हो, देख रहे हो ना आप, काफी लंबे समय तक कढ़ाइयों में रहा है, हल्की हल्की आंच पे जो मजा आया ना इसका, स्मोकीनेस बहुत ही कमाल है। जो दो चीजें मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में ही कि मुझे इस ढाबे की पसंद आई, एक तो आपको बता दिया मैंने किचन, अब जो दूसरी चीज लगी ना यार, वो एक होता है एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं ढाबे पे आया ना, मैंने बताया ना कि मुझे वीडियो बनानी है, मैं आगे जस्ट टेबल पे बैठा, मैंने मेन्यू देखा, सबसे पहले ही भाई मेरे टेबल के ऊपर ये दो गिलास आ गए थे, ऐसे ही पड़े, मैंने पिए नहीं अभी तक, बिना ऑर्डर दिए बिना कुछ करे, जब आपके टेबल पे पानी आ गए ना, तो मतलब वहां के ढाबे की सर्विस बहुत कमाल है, तो सर्विस पास है। ये है जी यहाँ का पंजाबी चीज चिल्ली, जो तीन चीजें मैंने खाई है ना उनमें सबसे कमाल भाई ये लगा मेरे को, दाल दूसरे नंबर पे बोल सकते हो। ये थाली देख लो आप, कमाल की थाली है, साथ में दो लच्छे पराठे, और सिर्फ 200 रुपए में है। तो लोकेशन अभी बाजी बताएंगे, और लाइक नहीं का तो कर दो भाई, किस चीज का वेट कर रहे हो बताओ आप। तो पहले तो बाइट लेने दो यार, खाना बहुत स्वाद है, और आप भी अगर स्वाद खाना खाना चाहते हो ना तो आपको आना पड़ेगा जी जलंधर में, मॉडल टाउन में, बसंत विहार को ये रोड जाती है, तो अग्रवाल ढाबा अपने आप में एक लैंडमार्क है, तो गूगल मैप पे डालिएगा और सीधा यहाँ पहुंच जाइएगा, और लंच या डिनर क्या करने आ रहे हो बताना जरूर। बाय बाय।